जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनलॉग। तो दोस्तों मैं आज ना आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। भाई अभी ना अपने व्लॉग का शेड्यूल थोड़ा ख़राब चल रहा है, मतलब दो दिन पे व्लॉग आ रहे हैं और टाइम पे भी नहीं आ पा रहे। तो मैं इसका रीज़न बताना चाहूँगा। भाई पहले तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे व्लॉग डाला करता था और बिल्कुल मतलब जैसे आज डाल दिया तो एक दिन व्लॉग आया करते थे। बट अभी क्या है, मेरे कॉलेज में एडमिशन होने की वजह से भाई मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब चल रहा है। मैं मतलब पूरे दिन कॉलेज रहता हूँ और शाम को 2:30 बजे आता हूँ, तो फिर व्लॉग बना ही नहीं पाता। भाई मैं दोपहर में इधर धूप वगैरह रहती है, उस वजह से तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी, मतलब एडजस्ट किए जा रहा हूँ मैं थोड़े थोड़े, और शाम को ही मैं वो लोग बना सकता हूँ। भाई कॉलेज भी रेगुलर जाना ज़रूरी है, वेटनरी की कॉलेज, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, मतलब वो बात की बात है। तो उसी वजह से भाई मैं शाम को लेट वो लोग बनाता हूँ, मतलब 1-2 घंटे का टाइम मिलता है तो उसी में मैं आपके साथ वो लोग शेयर कर पाता हूँ। तो भाई बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है टाइम को, तो आप भाई रेस्पॉन्स भी वैसा ही दिया करो यार, मतलब बिल्कुल कम रेस्पॉन्स है। कितने दिन की मेहनत हो गई यार, मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। बट कोई ना, आप पे बिल्कुल विश्वास है मेरे को, जल्दी कुछ नया करोगे आप और शेयर वगैरह किया करो। तो अब अपने डॉग्स वगैरह को खोल लेते हैं भाई, क्योंकि ये भी काफ़ी परेशान रहते हैं, इनको भी मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा। ये अपनी छिपकली है ना तू, इसको मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा भाई। इसको तैयार करने के लिए बढ़िया अच्छी खासी डाइट चाहिए, बट अभी कुछ नहीं दे पा रहा मैं, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ दोस्तों, यही मान लो 7, 7:30, 8 बजे के आसपास, और शाम को 3 बजे आता हूँ। तो भाई इनको कैसे टाइम दे भाई, जल्दीबाजी में खाना डाल के इनको और निकल लेता हूँ मैं कॉलेज। तो ये देखे भाई मेरे से खेलने के लिए कितने खुश हो रहे हैं, मतलब इनको बहुत खुशी हो रही है कि यार मैं अभी आया हूँ केनन में कॉलेज से आने के बाद, तो उसी वजह से। तो चलो भाई इनका अपने सबको खोलते हैं और थोड़ा घुमाते हैं। देखे ये देखे भाई, बहुत मिस करते हैं यार ये। मैं पहले इनके साथ सारे दिन रहा करता था, मतलब आता रहता कैनन में जाता रहता था, बट अब 10-15 दिन में भाई बिल्कुल ही शेड्यूल ख़राब है। तो जल्दी सही करेंगे, खोल लिया है भाई इनको और लेके चलते हैं। ये देखे चार्ली, कम चल 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 चल, कु कु ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, मैं इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा, तो मतलब इनको टाइम देना भी ज़रूरी है। और भाई कॉलेज में एडमिशन हुए तो काफ़ी दिन हो गए, बट इतने दिन तो भाई मैं रेगुलरली नहीं रख पा रहा था कॉलेज में, मतलब ऐसे ही चल रही थी। बट अब भाई एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते, तो उसी वजह से वो लोग वगैरह नहीं बना पाता मैं। मतलब पहले तो आपको दिन में भी दिखाता था मैं सब कुछ, अलग अलग जगह भी जाके आता था, बट अब भाई कहीं पर जाना भी नहीं होता। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करेंगे और आपका सपोर्ट बनाए रखें ना। ऐसे मत सोचना कि यार लक्की भाई आपके वो लोग ही नहीं आ पा रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब वैसे ही प्रॉपर आएंगे। बट बस एक टाइम का ही रहेगा कि ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा मैं, ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा। और जैसे मैं अलग अलग जगह जाया करता था वैसे भी नहीं जा पाऊँगा अभी, 1-2 महीने के लिए तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलो भाई अपने डॉग्स वगैरह भी घूम रहे हैं और इनको घुमाते हैं। और उधर ना अभी मेरे को वो जो ब्लैक्सी थी वो मिली है, मतलब दिखी थी वो अभी। तो यार एक बार मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि उसको आपको एक बार दोबारा से दिखाई, जो ब्लैक्सी ब्राउन सी है। तो अपने डॉग्स वगैरह को उधर ही लेके चलते हैं, शायद वो आ ही जाए। तो आ जाओ ब्लैक्सी से मैं मिलूँ। देखिए पेप्सी के धूल लग गई है भाई, मिट्टी में लौट रही थी पीछे। यार वो ब्लैक्सी करके फीमेल थी, वो अपने घर पे जा चुकी है शायद तक। ले उनके खेत में क्यों जा रहे हो भाई, तुम्हारे को नहीं जाना, ब्लैक्सी को आना है। और दोस्तों अपनी काली और वो फीमेल उधर ही रह गई, वो पेप्सी का पप्पी। ले वो रही ब्लैक्सी, ब्लैक्सी वो बैठी दोस्तों, वो ले आ जा ब्लैक्सी। ये सारे डॉग्स भाई इनके खेत में जा लिए, ओ भाई ये नुकसान करेंगे यार उनकी फसल का। ये देखे ब्लैक्सी, वो आ गई भाई ब्लैक्सी, इनकी फसल में जा लिए दोस्तों अपने डॉग्स, इनका नुकसान कर रहे हैं भाई। वो भैया इसको भगाने आए ब्लैक्सी। ये खड़ी ब्लैक्सी आ रही पास, आए तो अच्छा भी लगे। ब्राउन सी भी आ गई है दोस्तों पीछे से, और अपनी पेप्सी इधर जा ली। पपीज भी जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यार तुम मत जाना भाई, तुम क्या करोगे उधर जाके, आजा रास्ता ही नहीं है भाई इधर से तो। चाली चाली कम, आजा 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 ले आजा। ब्लैक्सी की हाइट देखे भाई, ब्लैक्सी कम। आजा ले आजा, जगह ही नहीं है। आजा 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 आजा, चली को चली को चल 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 को चल कम, आजा आजा उधर से ही आएगी भाई। आजा 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 आजा, वापस आ वापस आ, उधर क्यों गई थी भाई तू काली, हप ले
तो दोस्तों अपने फिर से डॉग्स अपने खेत में आ गए हैं भाई सारे। इधर ही घूमो यार, उनके खेत में मत जाओ तुम नुकसान करने। चलो आपको ब्लैक्सी तो दिखाई दी है दोस्तों मैंने पास में, तो खैर वो नहीं आई थी क्योंकि वो उनके ओनर को भाई छोड़ के नहीं आई वाली। उस दिन मैं लेके आया था उनके घर से बांध के लेके आया था उसको। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही घुमा लेते हैं। ये घूम लिए, ये देखे भाई चारे में हो लिए सारे के सारे। चलो अब बंद करते हैं भाई पपीज को, ले ये देखे चारा कितना लग रहा है भाई इसके बालों में। फिर से इसको बात करवाना पड़ेगा कल। आ जा, ये पानी दोस्तों अपने पपीज को रख देते हैं क्योंकि यार ये खूब देर से घूम के आए तो इनको प्यास लग गई होगी भाई, गर्मी वैसे ही तेज है। चलो देखे टिफिन को देख के कैसे ऊपर हो रहे, बट इनको पता लगेगा इधर इसमें पानी है फिर नहीं पियेंगे इतना ही। आज तो पी रहे हैं भाई, दूर से घूम के आए तो उस वजह से इनको गर्मी लगती है भाई, पसीने भी आते हैं इनके। पानी पीना जरूरी है भाई गर्मियों में डॉग्स का। तो इन्हें दोस्तों बंद कर दिया है और अब आपको मुर्गी के चूजों से भी मिलवा देता हूँ यार, काफ़ी दिन हो गए इनसे मिले। वैसे तो शाम हो गई है, इनको खोलने का वैसे कोई वो नहीं था, बट आपको मिलाने के लिए भाई। ये देखे कितने थे बड़े हो गए हैं अपने चूजे, छह ही हैं भाई अब तो शायद, हाँ छह ही हैं, 3 और 3 6। बाकी के यार ख़त्म हो गए, डेथ हो गई उनकी पता नहीं कैसे कैसे। वैसे इतने सक्सेस नहीं रहते भाई मुर्गी के चूजे, छोटे रहते हैं तो उस वजह से कोई साल कोई सा जानवर उठा ले जाता है उनको। बट ये भी काफ़ी प्यारे हैं भाई, एक को पकड़ के देखते हैं हाथ में। चलो ये रहा भाई, हाँ भाई एक महीने का हो गया होगा तू, है नाम कह दो तेरे को। चलो भाई घूमने देते हैं इनको थोड़ा। ये देखे भाई कितने प्यारे लगते हैं जब ये घूमते रहते हैं। अभी अपनी माँ के साथ नहीं रहते भाई, ये अलग घूमते रहते हैं, इनकी माँ अलग घूमती रहती है। ये लो दोस्तों इन्हें भी निकाल दिया है भाई बाहर थोड़ी देर के लिए, इधर ही रख देते हैं कैनन में। इनको भी खोलते हैं यार थोड़ी देर के लिए, चलो भाई घूम लो तुम भी। ये देखे पपीज इनको देखते ही, अब मैं एक भी डॉग को दोस्तों अपने को खोल दूँ ना तो ये या तो मुर्गी के बच्चों पर अटैक करेंगे या इन खरगोशों पर, मतलब यही है इनका। ये इतना समझते नहीं है पपीज, सीधा झपट्टा मारते हैं। चार्ली भी इतना झपट्टा मारती है, इनको खोलते भाई इनकी आवाज़ चालू हो गई। क्या हुआ अभी तो घूम के ही थे तुम भाई, इनका भी घूमना जरूरी रहता है। ये चिपकली ज़्यादा आवाज़ करती है अपनी और चार्ली। अपने पपीज दोस्तों एक ही चीज़ से बंद हो सकते हैं भाई भौंकना, ये उनकी बोतल, बस इसी चीज़ से मैं इनको बंद कर सकता हूँ। ये देखे चलो अब इससे खेलेंगे ये तीनों के तीनों। देखे कैसे खेलते हैं भाई, इसको फाड़ देंगे फिर पूरी बोतल को, पहले ये फूटी हुई है। वो किधर गए भाई खरगोश, ये देखे भाई मुर्गियों के पास घूम रहा है इसको, कि ये भाई इधर घास की तलाश में है। ये देखे इधर घास है ही नहीं भाई, कैनन का घास उखाड़ दिया मैंने, और ये एक इधर घूम रहा है। तो वैसे घास तो दोस्तों मैं इनको केज में डाल ही दिया करता हूँ, बट इनको तो मैं थोड़ा घूमने के लिए खोला हूँ भाई। और मछली किधर है भाई, मछली का तो पानी पूरा गंदा पड़ा है। ये रही भाई अपनी मछली, ये और भाई इनको वापस बंद करने का टाइम आ गया अब, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। चलो भाई चलो 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 इतनी देर के लिए खोला था मैं, ये कितने समझदार है भाई, खुद ही अपने केज में चले गए। तो खरगोशों को दोस्तों मैं बंद करके आया हूँ खुद, और भाई अपनी मुर्गी अपने चूजों को लेके अंदर ही जा चुकी है। 3 चूजे बाहर हैं और बाकी के अंदर है, क्योंकि अंधेरा हो गया है तो ये सब समझते हैं भाई कौन से टाइम कब अंदर जाना है। मुर्गे ज़्यादा समझते हैं सबसे ज़्यादा, डॉग्स तो फिर भी इतना नहीं समझते, बट मुर्गे अपने शेड्यूल से अंदर चले जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब इनको तो बंद करते हैं, खरगोशों को मैंने बंद कर ही दिया है फिलहाल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।